गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं प्रतिमा सिंह, QTFM 5.5 दिल में आपका स्वागत है। मैं आ गई हूँ आज के मुख्य समाचार लेकर के। PFI पर प्रतिबंध, 8 सहयोगी संगठनों पर भी 5 साल की पाबंदी। IS जैसे आतंकी संगठनों से रिश्ते, केंद्र ने कहा देश की अखंडता के लिए खतरा। केंद्रीय कर्मियों का DA 4% बढ़ा, गरीबों को मुफ्त राशन 3 माह, और PM मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मंजूरी। बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2022 से। बच्चे बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार। 10 महीने के बच्चे का कर दिया था 45,000 में सौदा, बच्चा बरामद। लूट व भ्रष्टाचार में 4 पुलिस कर्मियों को 7 साल की सजा, विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने सुनाया फैसला। योगी ने राज्य मंत्रियों से पूछा काम मिला, सभी ने कहा हाँ। राज्य मंत्रियों को निजी सचिवों और सहयोगियों पर नज़र रखने की नसीहत। बहुजन समाज को पीछे करना चाहती है प्रदेश सरकार, अखिलेश यादव। सम्मेलन में अखिलेश ने कहा सपा ही कर सकती है भाजपा से मुकाबला। भारत की T20 में द अफ्रीका पर लगातार तीसरी जीत, 8 विकेट से किया पराजित। पहले T20 में 20 गेंद शेष रहते टीम इंडिया को मिली जीत, बावुमा की टीम बना पाई सिर्फ 106 रन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर लेकर के आऊँगी इसी समय मॉर्निंग में, तब तक के लिए नमस्कार।